दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स जीडीपी रेशियो के बारे में, टैक्स बायोलिसी के बारे में और टैक्स इलास्टिसिटी के बारे में। तो बच्चों, से इसमें से जो दो शब्द हैं जिसे हम बोलते हैं टैक्स बायोलिसी और टैक्स इलास्टिसिटी, काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी एक जैसे ही है, बल्कि फार्मूला भी काफ़ी कुछ एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और बाकी का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको मजबूत करने की बच्चों पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। और बच्चों, इसके अलावा आपको पता ही होगा कि हम यूजीसी नेट का और यूपीएससी का डिफरेंट जगह का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा जो आप नेट के रिलेटेड है, और बाकी के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी ज़रूरत है वहाँ पे वो मिल जाएगा, आप अपने सिस्टमेटिकल तरीके से वीडियो देखिएगा। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर दूंगा कि टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होता है। तो देखिए, एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो एग्जांपल। देखिए, मान लीजिए कि देश में जो जीडीपी है वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 500 करोड़ है, ठीक है, मैं करोड़ में लिख रहा हूँ आप, है ना। मैं और जो टैक्स रेवेन्यू है, ये बात कर रहे हैं हम 2010 की या 2000 मान लीजिए 19 की बात कर रहे हैं। तो 2019 में जो जीडीपी थी वो 500 करोड़ थी और जो टैक्स कलेक्शन था मान लीजिए 5 करोड़ था, ओके जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, या मान लीजिए चलिए सिंपल ले लेते हैं 50 करोड़ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स जीडीपी रेशियो कितना लिख लेगा, टैक्स जीडीपी रेशियो है हमारा 50 / 500, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका, 0 से 0 कटेगा, तो 10% कह लो या 0.1 कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, या 10% कह लो। इसका मतलब जो भी हमारी जीडीपी है उसका 10% जो है वो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में वापस आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। अब मान लीजिए 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जीडीपी जो है वो बढ़ गई, और जीडीपी बढ़कर मान लीजिए जो हो गई वो हो गई 600, यानी कि जो सीधी सीधी वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है, आप समझ सकते हैं 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 100 / 500, तो ये 20% हुआ। अब सपोज कीजिए कि ये बढ़कर हो गया 100 का, इसका मतलब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो जीडीपी है आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वृद्धि हुई है ये 50% की आप कह सकते हो एक तरीके से, ये तो ज़्यादा हो गया 50% से, 100% करीब हो गया, चलिए 100% ही लिख देते हैं। तो ये जो वृद्धि हुई है ये पूरी की पूरी 100% की हुई है, यानी कि जीडीपी में जो वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है और जो टैक्स में वृद्धि हुई है वो 100% की हुई है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे जीडीपी रेशियो की, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे अगर हम, ये तो हमारा हो गया 2019 का, 2020 का बच्चों मैं यहां निकाल देता हूं, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 / 600, तो आप करके देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कुछ परसेंटेज में आएगा, ठीक है। अब मैं तो कैलकुलेट करूंगा, तो साइड में आप कर सकते हो, बाद में आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो वो जो परसेंटेज है, ठीक है, पॉइंट में आएगा और उसको परसेंटेज में आप लिखोगे तो वो आपका टैक्स जीडीपी रेशियो आ जाएगा, जो कि बढ़ चुका है, ठीक है, आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा। अगर हम बात करें, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, यानी कि ये हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो है जो कि 10% था और बाद में ये बढ़ गया। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, ये आप बोलोगे कि सर ये है हमारा 1/6, तो 0 लग गया, 6 लगभग 16 हो जाएगा, ठीक है, लगभग 16.6% ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके जी। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, तो ये हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो है। अब हम बात करते हैं बच्चों टैक्स बायोलिसी की। देखिए, टैक्स बायोलिसी का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे टैक्स बायोलिसी का जो फार्मूला है वो ये लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, आप देखिए टैक्स रेवेन्यू में यहाँ लिख कर रहा हूँ, टैक्स रेवेन्यू में 100% का चेंज हुआ है और जीडीपी में कितना चेंज हुआ है, जीडीपी में 20% चेंज हुआ है। तो इससे जो आपका टैक्स बायोलिसी निकल के आएगी वो 5 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी के बढ़ने से, जीडीपी में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उससे टैक्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये आपका 5 आएगा। तो आप एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज चेंज ऑफ टैक्स रेवेन्यू का मैसेज लिख सकते थे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 / चेंज इन जीडीपी, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू डिवाइडेड बाय
डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऊपर कर देंगे वाई अपॉन डेल्टा वाई, और आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन में टी। तो ये आपकी जो फार्मूला है ये टैक्स बायोसी कहलाता है, ठीक है, टी ए बी भी लिख देता हूं मैं, इसका मतलब ये टैक्स बायोसी का फार्मूला हो गया। अब देखिए यहां पर हमें ये तो समझ में आ गया कि चलिए जीडीपी बढ़ने से जो टैक्स है रेवेन्यू वो बढ़ गया, लेकिन टैक्स बढ़ा क्या वास्तव में जीडीपी बढ़ने से बढ़ा है? देखिए ऐसा तो होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है कि जो टैक्स अगर बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ती है, सॉरी गलत बोला मैंने, जीडीपी बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, लेकिन टैक्स बढ़ने की और भी कई सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिसी है जिसको हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को बोलते हैं हम एक तरीके से डिस्क्रिशनरी चेंजेस, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी यानी कि विवेकाधीन राजकोषीय नीति, उसमें हो सकता है गवर्नमेंट ने अपना टैक्स का बेस बड़ा कर दिया हो, या हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बड़ा कर दिया हो, चेंज कर दिया हो, या हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स नए तरीके का टैक्स लगा दिया हो, या हो सकता है गवर्नमेंट ने कहा हो कि कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी हो जिससे लोग ज्यादा टैक्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इस टैक्स बायोलेंसी से हमें यह पता नहीं चलता कि ये जो वृद्धि हुई है ये केवल जीडीपी बढ़ने से हुई है या और फैक्टर से हुई है, यानी कि बाकी के जो फैक्टर है वो भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ना टैक्स को बढ़ाने के लिए। तो यहां पे जो टैक्सेस में चेंज हुआ है ये उन सभी फैक्टरों को इंक्लूड करके बनाया जाता है, यानी कि अगर टैक्स बायोलेंसी है तो टैक्स बायोलेंसी में जीडीपी बढ़ने से आपका टैक्स इंक्रीज होता है, ये श्योर है। तो परसेंटेज चेंज अपॉन टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, यही फार्मूला है। लेकिन इसमें हम ये नहीं पता कर सकते या ये नहीं पता लगाते कि कितना असर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करने की वजह से हुआ है और कितना इंपैक्ट एक्चुअल जीडीपी की वजह से हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि दो फैक्टर हैं, देखिए यहां पे दो फैक्टर हैं, एक तो है जीडीपी और दूसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो ये दोनों फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, यानी कि इसको हम न्यूट्रलाइज नहीं करते, इसको हम अलग नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब हम इसको अलग कर देते हैं, यानी कि जब इंपैक्ट ऑफ टैक्स रेट को हम अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं एक फॉर्मूला लगाते हैं या कोई तरीका निकाल लेते हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि जीडीपी जो बढ़ी है एक्चुअल में वो जीडीपी है वो 500 से 600 तो बढ़ी है, लेकिन इस 100 रुपए बढ़ने में जो 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 जीडीपी 100 रुपए बढ़ी है, ठीक है, उसकी वजह से जो टैक्स है वो बढ़े हैं 50 से 100, लेकिन इस 50 से 100 में केवल 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 जो 30 रुपीज है वो जीडीपी की वजह से बढ़े हैं और 20 जो है वो विवेकाधीन नीचे यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से चेंज हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टैक्स है यानी कि आपका जो वाई है इनकम है वो 500 से 600 हो गई और जो टैक्स है वो 50 से 60 हो गया, 80 हो गया। 80 क्यों हुआ बच्चों, 50 से 80 क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें से जो 20 है वो इसलिए हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने एफर्ट किया था, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एफर्ट्स को जिसमें टैक्स बेस शामिल है, जिसमें टैक्स कलेक्शन शामिल है, इसमें और भी जो जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो शामिल है, उनको हम हटा दें किसी भी तरीके से तो ये जो एक्चुअल टैक्स बढ़ा है वो जीडीपी की वजह से बढ़ा है। ये बताती है इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स रेवेन्यू, यानी कि सॉरी टैक्स इलास्टिसिटी, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो चेंज होते हैं डिस्क्रिशनरी चेंजेस होते हैं उसको हटा दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिशनरी चेंज, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की है उसके द्वारा जो इंपैक्ट है इकोनॉमी पे पड़ा है उस सबको हटा के जो नेट जीडीपी का असर पड़ता है नेट टैक्स रेवेन्यू पर उसे कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसे टैक्स इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि दोनों का में क्या फर्क है एक बार आप दोबारा देख लीजिए, जीडीपी बढ़ने से जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है परसेंटेज में उसी को हम बोलते हैं टैक्स बायोलेंसी और टैक्स इलास्टिसिटी। लेकिन फर्क क्या है कि जब हम टैक्स बायोलेंसी निकालते हैं तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट है उसको हम अलग नहीं करते, लेकिन जब टैक्स इलास्टिसिटी निकालते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एफर्ट किए जाते हैं उन सबको हम सेपरेट कर देते हैं। तो बच्चों ये है बेसिक फर्क जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, द इंपैक्ट ऑफ टैक्स रेट इंक्रीज और चेंज इन द टैक्स बेस शुड बी सेपरेटेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स इलास्टिसिटी, यानी कि इसके अंदर उसको सेपरेट नहीं किया जाता लेकिन इसके अंतर्गत इन सबको पहले क्या कर दिया जाता है बच्चों, सेपरेट कर दिया जाता है। तो बच्चों यह है पूरा का पूरा कंसेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप 2018 जुलाई का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें टैक्स बायोलेंसी का फार्मूला दिया था, तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना था, आप एक बार देख लीजिएगा।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि टैक्स बायोसी और टैक्स इलास्टिसिटी में क्या फर्क है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।